आदमी पार्टी के लीडरों वालों जो बयानबाजी हो रही है मैं बड़ी हसी आ रही है। जेड़े तीन काले कानून बीजेपी की मोदी सरकार ने इस देश विच बनाए उन्होंने अगर नोटिफाई करन दा काम कीता तां दिल्ली की केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्होंने बिना की सहमति करके नोटिफाई किया। एक कांग्रेस पार्टी की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सी पंजाब दे विच जिन्होंने विधानसभा का सैशन बुलाया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने खड़े होकर किसान के हक में आवाज दी तीनों कानूनों रद्द किया और यह कानून लेके आए कि जे कोई बड़ा उद्योगपति बाहरले सूबे का पंजाब च आके बिना MSP तो धान की खरीद करूंगा उसके उपर 3 साल का परचा दर्ज होगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगां वधू सोच किसान दे नाल मोढ़ा दे नाल मोढ़ा ला के खड़न की सोच सब दे सामने आई। और दूजा राजस्थान दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विधानसभा का सैक्शन बना के ये तीनों काले कानूनों रद्द करन दा फैसला किया कि केजरीवाल ने दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार है कि उन्होंने विधानसभा का सैक्शन बुला के इन्हों रद्द करन दा काम किया उन्होंने ये काले कानूनों नोटिफाई किया दिल्ली की सरकार ने। तो मैं इस करके कहना चाहना है अज कोई लोक स्टैंडिंग नहीं है आम आदमी पार्टी को गल करन दी और मैनू पूरा विश्वास है कि जिस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किसान का हाथ पड़ के किसान के नाल मोढ़ा ला के लड़ी है उसके उपर जरूर जित हासिल करांगे और असी किसान के नाल कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी सरकार किसान के नाल खड़ी है।